everyone, welcome back to my channel. It's me Nidhi, and today's video is going to be review video of this product. As you can see guys, so let's get started. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो ये MAC का foundation है और इसका जो पूरा नाम है MAC face and body foundation है और ये 120 ml का product है. इसमें 50 ml product भी मिल जाता है आपको और ये काफी ज्यादा expensive आता है. इसकी जो price है वो 5500 है और अगर आप चाहो तो 5500 में अपना पूरा मेकअप किट बना सकते हो. और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ कि ये फाउंडेशन कैसा है, मुझे कैसा लगा, इसके बारे में आज बात करेंगे. सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का इसका पैकेजिंग है और ये आपको इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिल जाता है और ये अंदर से आपको कुछ ऐसा मिलेगा. ये प्लास्टिक ट्यूब सा है और पैकेजिंग तो मुझे बिल्कुल भी खराब लगा, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें पंप भी नहीं दिया है तो आपके इसमें प्रोडक्ट बहुत सारे वेस्ट हो सकते हैं. और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया था तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसे निकल भी चुके थे, सारे बाहर आ गए. ये जो यहाँ पे दिया है छोटा सा पंप टाइप ट्यूब टाइप है, आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हो बट इससे प्रोडक्ट नहीं निकलता है, आपको इसको खोल के ही निकालना पड़ता है. इसको खोलोगे उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होगी. सो पैकेजिंग तो मुझे बिल्कुल भी इसका पसंद नहीं आया और इसकी जो प्राइस है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. 5500 120 ml की प्राइस है. अगर आप 50 ml प्रोडक्ट लोगे तो उसकी जो प्राइस होगी उसकी प्राइस 2900 rupees है, तो बहुत ही ज्यादा ये कॉस्टली एक्सपेंसिव है. अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसकी कवरेज कैसी, जैसे इसकी प्राइस है वैसे इसकी कवरेज है भी या नहीं, कैसा वर्क करता है. वैसे अगर आप लोग जानते होंगे तो मैक काफी फेमस ब्रांड है और इसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं और मैक की एक खास बात यह है कि आपको इसमें कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे आप स्टोर पे खरीद लो चाहे ऑनलाइन खरीद लो. तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये ओरिजिनल ही मिले, आपको ये डुप्लीकेट भी मिल सकता है क्योंकि मैक में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं. तो इसको आपकी जो इसकी प्राइस है ना, हर जगह हमेशा आपको डिफरेंट दिखेंगी, कहीं पे 3800, कहीं पे 2900, कहीं पे 50, कुछ से कुछ दिखेगा बट आपको एग्जैक्ट कहीं पे कुछ प्राइस नहीं दिखेगा. और इसकी जो सेल्फ लाइफ है फ्रेंड्स वो 3 साल है, 3 साल तक आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है. सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगी अपने फेस के ऊपर, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो है तो मैं आपको पूरा फुल डेमो दूंगी और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से यहाँ पे फाउंडेशन को लिया है और अपने पूरे फेस पे इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा लूँगी. और पहले मैं आपको यहाँ पे वन साइड लगा के दिखा रही हूँ कि इसकी कवरेज कैसी है, ये कैसा वर्क करता है. और फाउंडेशन को आप जब भी ब्लेंड करें ब्यूटी ब्लेंडर से करें, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही मैं अपने फेस पे ये ब्यूटी ब्लेंडर टच कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से इजिली ब्लेंड हो जा रहा है. तो ये कह सकती हूँ कि ये ईजी टू ब्लेंड है. बट थोड़ा सा प्रोडक्ट ली थी मैं यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्पॉट्स को इसने कवर नहीं किया है बहुत अच्छे से. अभी आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होंगे बस एक अच्छा सा ग्लो सा फिनिश सा आ गया है. मैं उस स्पॉट्स के ऊपर फिर से एक बार लगा के देख रही हूँ उसको वो अच्छे से कवर कर पा रहा है या नहीं, तो ये कवर नहीं कर पा रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं आपको पूरे फेस पे भी इसको लगा के दिखाने वाली हूँ तो आपको रिज़ल्ट मालूम चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है. अभी तक तो ये मीडियम कवरेज लग रहा है कि इसने मेरे फेस पे मीडियम कवरेज दिया, एक ग्लो सा हल्का सा बस दिया है. और अभी मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा के देखूंगी और भी ज़्यादा फाउंडेशन लेके, तो ये कैसा कवरेज देता है मुझे ये देखना है. और अगेन मैंने साइड से दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उससे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आता है. तो आप ये मत समझिए कि अगर आप 50 rupees का भी ब्यूटी ब्लेंडर खरीद लिए तो वो 250 वाले का काम करेगा, बिल्कुल नहीं. बहुत सारी क्वालिटी आती है तो आपको एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार वो अच्छे से फाउंडेशन को मिक्स नहीं होने देता, अच्छे से फिनिश नहीं होने देता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना. थोड़ा सा पैसा लगा के आप बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए. और आप पहले जो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था आप देख सकते हो उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट जो मैंने यहाँ पे अब यूज़ किया है इसकी फिनिशिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि क्या अंतर होता है ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी में. तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्पॉन्जी टाइप का चाहिए, ये वाला अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइटिस लग रहा है. और दोनों साइड में अब मैं आपको यहाँ पे अंतर दिखा रही हूँ. पहले वाला ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. तो यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा वाइटिस लग रहा है, आप देख सकते हो फेस पे. अगर 5500 का फाउंडेशन लेने के बाद आपको ऐसा कवरेज मिल रहा है तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप जब भी परचेस करें स्टोर पे जाके परचेस करें, आपको आपके सेट का मिलेगा और ओरिजिनल मिलेगा. मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया था, फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं था उतना.
हो सकता है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी हो और इस फाउंडेशन को मैं कभी भी यूज़ नहीं करती क्योंकि ये मेरे फेस को इतना ज़्यादा वाइट कर देता है ना, तो बस ये रखने के लिए ही रह गया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने गलती की आप मत कीजिए, स्टोर पे जाके परचेज कीजिए, आपको आपके सेट का दिखा के दिया जाएगा तो बहुत सही रहता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भी अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई किया है, रिजल्ट आपके सामने है कैसा लग रहा है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा उबका उबका सा लग रहा है, फेस पे बहुत ज्यादा व्हाइटिस फिनिश दिया है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना ये मेरे सेट का नहीं है, बहुत ही ज्यादा फेयर स्किन टोन वाले हैं जो उनको शायद ये सूट कर सकता है, बट मेरे स्किन टोन को ये सूट नहीं किया क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा व्हाइट है। और हाँ एक चीज है ये कि बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत इजी टू ब्लेंड है, बहुत ही इजिली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाता है और ये कम से कम आपके फेस पे 8 to 10 आवर तक स्टे करेगा बिल्कुल आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मुझे बहुत ही ज्यादा ओवर लग रहा है, आप इसको फुल कवरेज बोल सकते हो, फुल कवरेज ये दे तो रहा है वो तो अच्छी बात है बट बहुत ओवर लग रहा है, व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है, अभी आप देख सक रहे होंगे डिफरेंस। और ये फेस पे बिल्कुल उबका उबका सा लग रहा है तो ये मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया। और मैक के प्रोडक्ट के बारे में हम कह भी नहीं सकते कि ये ओरिजिनल है फेक है क्योंकि हर वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन में सजेस्ट करूंगी कि आप मैक के प्रोडक्ट को ना खरीदें। जब भी आप मैक के प्रोडक्ट को खरीदें तो आप लोकल स्टोर से जैसे कि मैक के कॉस्मेटिक से है बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, किसी भी मॉल में मैक के कॉस्मेटिक हर जगह अवेलेबल होते हैं शॉप मैक का, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो, वहां पे आप अपने सेट का परचेज कर सकते हो, वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको ये पैच टेस्ट करते हैं आपकी फेस के ऊपर कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे फाउंडेशन चूज कर सकते हो, ले सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन परचेज ना करें क्योंकि उसमें दो चीज का डर रहता है, या तो एक सेट गलत आ जाएगी या तो आपको फेक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, प्राइस आपको अच्छे खासे पे करने पड़ते हैं और आपको कहीं फेक प्रोडक्ट मिल गया तो उसमें भी बहुत ही दिक्कत है। सो गाइस ये था मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इसके साथ, कुछ खास नहीं रहा। और मैं आपको ये बोलूंगी अगर 5500 का लोग फाउंडेशन लेंगे इसमें पूरा मेकअप किट तैयार कर सकते हैं अच्छा खासा और काफी अच्छे सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। इससे अच्छा मुझे बहुत अच्छा जो फाउंडेशन लगता है वो लॉरियल का इनफेलिबल फाउंडेशन है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में मुझे देखा होगा उसको यूज करते हुए, मेकअप वीडियोस के लिए लगभग मैं वही वाला फाउंडेशन यूज करती हूँ, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और काफी फुल कवरेज फाउंडेशन है, HD फिनिश देता है आपके फेस के ऊपर। तो आप मैं कहूंगी आप अगर मैक का प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हो ना तो इसके जगह आप वो वाला फाउंडेशन ले सकते हो, वो काफी बजट में भी आ जाता है, आपको लगभग 1200 से 1400 के बीच में एप्रोक्स में मिलेगा और उस पे भी हमेशा डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं और मैक के प्रोडक्ट में कभी भी डिस्काउंट नहीं चलता है, कभी भी नहीं। मैक की जो लिपस्टिक आती है वो भी 1500 प्लस वगैरह आती है तो लिपस्टिक वगैरह पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल भी जाए, मैक के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट बहुत ही कम मिलता है। तो सो गाइस आप लोग देख लीजिए कहाँ से आपको परचेज करना है, अगर आपको ये अच्छा लगता है मैक के प्रोडक्ट लवर हो यूज करना चाहते हो तो आप स्टोर से जाके परचेज करो। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।